चित्तौड़गढ़ में भी कलेक्ट्री पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ते गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर रोटी बनाई और गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि दी। यही नहीं, विरोध स्वरूप पीएम का पुतला फूंककर प्रदर्शन भी किया गया। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्री पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष नवीन तंवर और युवराज श्रीमाल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल में गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं कि पारिवारिक बजट बिगड़ गया है। निरंतर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से उज्ज्वला योजना का कनेक्शन तो दे दिया, लेकिन इतने महंगे गैस सिलेंडर होने के चलते गरीब सिलेंडर में गैस तक नहीं भरवा पा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई भी बढ़ने लगी है। विरोध स्वरूप चूल्हा जलाकर रोटी बनाई और गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि देकर विरोध प्रकट किया गया। पीएम का पुतला भी फूंका गया। रसोई गैस के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, इससे पूरा देश परेशान है। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि ऐसी क्या आपदा आ गई है जो रोज के रोज 10-10, 20-20 रुपए गैस सिलेंडर पे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारी जब हमारे मनमोहन जी की सरकार थी, जब 400-500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था, आज 820 के ऊपर गैस सिलेंडर मिल रहा है, इससे पूरा देश परेशान है। और इसी संदर्भ में आज हम सभी युवा साथी इकट्ठा होकर गैस पर रोटी सेक कर और मोदी जी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से मांग की जल्द से जल्द इनके दामों में गिरावट आ सके। और एक बात तो साफ क्लियर हो चुकी है, मोदी है तो महंगाई है।